हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्रिस्ट सारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी लेट एस स्टार्ट आवर ब्यूटिफुल स्पाइसी एंड लेट एस सी दैट आपके लिए क्या आने वाला है नवम्बर फर्स्ट हाफ में एंड ये एक जर्नल रीडिंग है सो जितना रेजोनेट करें अगैन उतना ही लेना डोंट फोर्स मैसेज ऑन योर सेल्फ लेट एस सी स्पाइसी वॉट इज कमिंग फॉर यू नोवर फर्स्ट हाफ हम लोग पहले आपका थोड़ा सा थीम देख लेंगे नवंबर का उसके बाद आपका लव और पर्सनल लाइफ उसके बाद आपका करियर एंड योर फाइनेंसेस एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कहीं और किसी से और नहीं मिल सकता सो लेट एस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द पाइसीज ओवरऑल थीम क्या है आपका पॉवर्टी नंबर थर्टी एंड इम्प्रिजनमेंट नंबर ट्वेंटी डरने की बात नहीं है इट्स ओके फाइन लेट सी सो पहला चीज एम फीलिंग हियर सीज इज दैट लिमिटेशन आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो कैसे आप चाहो तो आप किसी किसी चीज में बेटर कर सकते हो चाहे वो आपकी करियर हो आपका हेल्थ हो आपकी पर्सनल लाइफ हो आपका फैमिली लाइफ हो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो कुछ है कुछ है जो आप बेटर मैनेज कर सकते हो बेटर परफॉर्म कर सकते हो या अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो एंड इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए बिकॉज़ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपका क्या पोटेंशियल है आप क्या कर सकते हो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको लग रहा है दैट यू नो मे बी जस्ट लेज़ीनेस कि मुझे और काम नहीं करना मुझे और ये नहीं करना मुझे वो नहीं करना कुछ लोगों के लिए किसी टाइप ऑफ एडिक्शन हो सकता है ये किसी टाइप ऑफ मेंटल ब्लॉकेज हो सकता है ठीक है इमोशनल uh, ब्लॉकेज हो सकता है <coughs> कुछ लोगों के लिए फिजिकल ब्लॉकेज हो सकता है एनीथिंग हर किसी के लिए ये डिफरेंट हो सकता है हज़ारों करोड़ों रीजन हो सकते है कारण हो सकते हैं इसके पीछे लेकिन यूनिवर्स इज सेम कि आपकी लाइफ आप बेहतर बना सकते हो आपके पास वो टैलेंट आपके पास वो कैपेसिटी हिम्मत जो भी बोलो वो सब कुछ है लेकिन आप चूज कर रहे हो अपने लाइफ को ऐसा बनाने की आप चूज़ कर रहे हो कि मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता या मैं इससे आगे नहीं जा सकता या मैं मुझसे ये नहीं हो पाएगा सो so आपका जो एक माइंड सेट एक लैक माइंड सेट एक लिमिटेड माइंड सेट हो गया है किसी कारण से एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को समझें एंड उसके पीछे आप एक्शन लें ओके फॉर सम कुछ लोग मे बी सच में फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंस से गुजर रहे हो फिनेंशियल प्रॉब्लम मे बी आप का फाइनेंसेज को लेके आप चिंतित हो आपको लग रहा है कि यू नो आपको पैसा चाहिए आपको सेविंग्स चाहिए आपको फ्यूचर प्लान करना है आपको एसेट बनाना है अपने नाम पे वट एवर इट इज़ आई फील लाइक देर इज़ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल इशूज को लेके आप डील कर रहे हो या अपने करियर इशूज में आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हो अबाउट द करियर मे बी पढ़ाई जो लोग स्टूडेंट हो ओके बट द अदर थिंग आई फील लाइक यूनिवर्स इज से यू कैन ब्रेक फ्री लाइक इस चीज़ से आप बाहर आ सकते हो ना फॉर सम आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस इज़ लाइक कोई कार्मिक सिचुएशन आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो जैसे ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं या कोई फैमिली पर्सन या कोई फ्रेंड जो मे भी आपके साथ एक कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड ये रिलेशन या ये कनेक्शन या ये फ्रेंडशिप आपके लिए लाइक बहुत ही पेनफुल है बहुत ही पैथेटिक है बहुत ही लाइक बहुत ही स्ट्रेसफुल है इस वक्त एंड यूनिवर्स इज सही बिकॉज आप दोनों किसी कारमा से डील कर रहे हो सो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ये आपके प्रोसेस का एक हिस्सा है यह आपके इस लाइफ टाइम में काइंड ऑफ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप रिलीज कर रहे हो जिस वजह से थोड़ा सा अप्स एंड डाउनस इस वक्त आप फेस कर रहे हो या तो फिनांशली या तो इमोशनली या सम थिंग नाओ फॉर सम आई ऑल्सो हियर लाइक जनरेशनल पैटर्न इज़ अ थिंग लाइक आपके फैमिली में कुछ पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो या आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो अगर आप चाहो सो so, मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपके फैमिली में लाइक um, like, आपके फैमिली में कुछ गलत माइंडसेट लेके लोग चल रहे हैं जेनरेशन आफ्टर जनरेशन जिसका असर आपके ऊपर हो रहा है ठीक है लाइक फॉर एग्जांपल ठीक है जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं सपोज़ मान लो कि आपकी फ़ैमिली में ऐसा कोई रूल है दैट हर कोई फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करेगा कुछ और वो नहीं कर सकता एंड आप कुछ और बनना चाहते हो आप कुछ और करना चाहते हो आप में वो पैशन है वो जज्बात है वो टैलेंट है एंड यूनिवर्स इज़ सेइंग कि आप आपको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है इट्स नॉट लाइक फैमिली में ऐसा है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा अपना दिल तोड़ के अपना मन तोड़ के अपने आप को काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको सेटल डाउन नहीं करना है अगर आप चाहो यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न अगर आप चाहो यू कैन ब्रेक इट यू कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट आप वो कुछ भी बन सकते हो जो आप चाहते हो चाहे वो करियर में हो चाहे एज अूमन बींग हो आप किसी भी टाइप का इंसान बन सकते हो इट्स नॉट लाइक कि आपके फैमिली में ये है तो आपको भी वैसा बनना या आपको डर है कि मैं भी ऐसा ना बन जाऊँ uh, मेरे फैमिली में ये एक प्रॉब्लम है इट्स नॉट लाइक दैट इट्स नॉट लाइक दैट यूनिवर्स इज सेंग यू कैन ब्रेक द पैटर्न यू कैन रिलीज योर सेल्फ ठीक है चाहे वो हीलिंग के द्वारा हो चाहे वो काउंसिलिंग um, you know, के द्वारा हो चाहे वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी हैबिट के द्वारा हो एनी थिंग यू नो हाव एवर वॉट एवर सूट्स यू Okay let us see uh, your love situation here Pisces three of swords i have we'll take three cards for you and we will take three cards for your person three of swords we have the king of cups we have the page of pentacles and three for your person okay pisces um आप इमोशनली कहीं पर इन्वेस्टेड हो ठीक है चाहे जो लोग रिलेशनशिप में हो मैरिड हो या आई फील लाइक जो लोग सिंगल भी अगर आप हो लाइक देर इज इज एनर्जी ऑफ आपका एनर्जी थोड़ा सा मुझे आई थिंक केप्रिकॉर्न जैसा लग रहा है uh, पूरा नहीं थोड़ा सा आई फील लाइक आप काइंड ऑफ डर रहे हो किसी चीज़ को लाइक uh, like किसी चीज़ का सामना करने में लाइक like आपको डर है किसी को रीच आउट किसी से communicate करने का डर है आपको या आपको डर है कि um, आपको क्या बोलना चाहिए इस पर्सन के सामने आपको कैसा बिहेव करना चाहिए इस पर्सन के सामने लाइक आई डोंट नो there इज दिस फियर इमोशनल fear कि अपने इमोशंस को दिखाने में आपको डर लग रहा है कि अगर इमोशंस सामने आ गए या अगर सामने वाले को पता चला कि आपके मन में कितना प्यार है इमोशन है तो या तो आपको लग रहा है कि सामने वाला रिजेक्ट कर देगा या तो आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान काइंड kind ऑफ of, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में ले लेगा या आपको लग रहा है कि आ, सामने वाला इंसान में भी प्लेयर है वो कमिटमेंट नहीं देगा या देगी सो देर इज दिस फियर सब लाइक कुछ तो है जिससे आपको डर लग रहा है uh, क्योंकि इमोशन है इमोशन है फीलिंग्स है अच्छा लगना है अफेक्शन अटैचमेंट कुछ भी बोलो बट डर भी है उसके साथ कि मुझे नहीं दिखाना नहीं करना या आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो पब्लिक में कि मुझे क्या करना चाहिए कैसे चलना चाहिए क्या बोलना चाहिए हाउ शुड आई रिएक्ट व्हाट शुड आई डू सो देयर इज़ दिस कॉन्शियसनेस लाइक आप फ्रीली कुछ कर नहीं पा रहे हो आपके लव लाइफ में आप फ्री free, फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हो लाइक देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर या तो कोई पर्सन आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या आप खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि मुझे ऐसा लाइक like, कुछ भी इधर उधर नहीं बोलना है इधर उधर नहीं करना है क्योंकि या तो आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो या आपको लग रहा है कि लाइक like, आपको लाइक like, थोड़ा सा प्रिटेंड आप कर रहे हो किसी के सामने मे uh, बी आप किसी को पसंद करते हो बट आप बोल नहीं रहे हो मे बी आप रिलेशनशिप में आप ज़्यादा इमोशनल uh, नहीं हो रहे हो क्योंकि आप श्योर sure होना चाहते हो कि सामने वाला भी इमोशनल है या नहीं या सामने वाला भी सेम पेज पे है या नहीं या आपको लग रहा है इमोशनल हो गया तो सामने वाला यू um, नो you know, सामने वाले के लिए ईजी हो जाएगा आपके साथ खिलवाड़ करना और समथिंग लाइक दैट नाउ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में ये डोमिनेटिंग है लाइक like, ये आपको डोमिनेट कर रहा है, सो देर इज़ नो फ्रीडम जो आप महसूस कर रहे हो आप इस पर्सन से प्यार करते हो लेकिन इस पर्सन का जो विचार है या इस पर्सन का जो um, चाहते हैं लाइक ये ये पर्सन आपसे जो चाहते हैं या लाइक देर इज समिंग ये पर्सन मे बी आपको कुछ करने बोलते हैं या किसी टाइप का कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट रखते हैं या डोमिनेट करते हैं या सम जो आपको लगता है कि आप फंस गए हो आपको लगता है कि इस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इन्हें पसंद भी करते हो और आप खुश भी नहीं हो सो इट्स अ वेरी लाइक अर्ड सिचुएशन ओके बट आई ऑल्सो सी लाइक आप काइंड ऑफ कम्युनिकेट कर रहे हो नवम्बर फर्स्ट हाफ में या आप काइंड ऑफ रीच आउट कर रहे हो किसी से किसी को um, आप काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हो किसी के साथ आई डोंट नो लाइक आई डोंट नो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ वनज एंड द डेथ कार्ड ओके फॉर सम ऑफ यू या तो ये पर्सन मे बी मैरिड हो सकते हैं या आई गेस दिस पर्सन कैन भी मैरिड या कुछ डिफरेंस हो सकता है एज गैप या किसी लाइक लॉन्ग डिस्टेंस या कल्चरल डिफरेंस या फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है समथिंग लाइक दैट ना, आई सी अवज लाइक अ फ़िज़िकल एट्रैक्शन जो यहाँ पे काम कर रहा है सेक्शुअल एनर्जीज़ मे बी आप लोग एक फ़िज़िकल एक, रिलेशनशिप um, में हो एंड मे बी आपको लग रहा है कि मे बी ओके मे बी दैट कैन बी द रीज़न कि आप फिज़िकल रिलेशनशिप में हो इसके इस, इस पर्सन के साथ एंड आपको लग रहा है कि आप पहले इमोशन्स नहीं दिखा सकते इस पर्सन को पहले दिखाना है सो आई डोंट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन लेकिन आपके पर्सन के साइड से देर इज़ दिस फिज़िकल लाइक फिज़िकल एनर्जी फिजिकली इंटरमेट एनर्जी आई डो नो नोवर फर्स्ट हाफ में कुछ फिज़िकल या कुछ इंटरमेट सिचुएशन हो सकता है फिज़िकल कनेक्शन बन सकता है आप दोनों में आई ऑल्सो फ़ील लाइक दिस पर्सन इज लाइक कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ कभी आपके पास कभी अपने किसी और के पास या किसी और लाइक फैमिली सिचुएशन में अटक जाते हैं या किसी एक्स के साथ अटक जाते हैं या कोई मे भी अगर ये मैरिड है तो अपने पार्टनर के साथ अटक जाते हैं सो so, कभी ये आपके साथ होते हैं कभी ये किसी और के साथ या कहीं और किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होते हैं बट um, there इज दिस विश लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ आई एम हियरिंग दिस पर्सन इन एंड आउट लाइक आते जाते रहते हैं आपके लाइफ में एंड लाइक आई डोंट नो पाइसीज़ दिस इज़ लाइक द एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक दिस इज़ लाइक दिस फिज़िकल द फिज़िकल कनेक्शन लाइक ये पर्सन मैरिड है या कहीं और किसी और के साथ है एंड आप दोनों में बस एक फ़िज़िकल एनर्जी फिज़िकल कनेक्शन है फॉर सम दिस इज़ लाइक ये पर्सन में भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं एंड जिस वजह से और भी ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ बिल्डअप होता है आप दोनों में um, कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ लाइक इनके लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ है दूसरे चीज़ें इम्पोर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस वजह से फ़िलहाल ये आपके साथ एक फिज़िकल कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं या फिलहाल ये बस आते जाते रहते हैं कमिटमेंट इश्यूज हो जाता है कनेक्शन में बिकॉज ये कहीं और कमिटेड है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम वॉट इट इज़ एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो लाइक ये पर्सन उतना इमोशनल नहीं है जितना आप हो या लाइक ये पर्सन इन एंड आउट करते रहते हैं लेकिन आप स्टेबल स्टेबल हो इस सिचुएशन पे दिस इज लाइक अ मेस्ट अप सिचुएशन आई डोंट नो एंड अगर मैं um, जोरिया की बात करूं मेरे पास है स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा लाइक दिस ह्यूज स्कॉर्पियो एनर्जी लीब्रा एनर्जी Pisces, Capricorn, uh, Taurus, and Virgo. Okay, Sagittarius, Leo, Aries be here. Anyways, uh, let us see your um, career finances for November first half. Career and finances. The full Energy, the Temperance, Knight of Wands, and the King of Pentacles. Mm hmm. द गुड पार्ट इज फाइनली कुछ लोग एक्शन ले रहे हो जो आपके आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है ओके एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग लाइक लक बाई चांस सो इट्स लाइक आपका कोई लक आपको फेवर कर सकता है इस टाइम पर लाइक आप सोच रहे हो कि ये नहीं होगा बट ये हो गया आप सोच रहे हो दैट यू नो Uh, शायद ये इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा या आपको लग रहा है कि शायद ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा या इस टाइम पे पैसा पेमेंट नहीं आएगा या ये लीगल सिचुएशन से आप इतना आसानी से नहीं निकल पाओगे बट आई सी लाइक देर इज़ सम काइंड ऑफ लक आपको फेवर कर रहा है लाइक like, किस्मत आपके तरफ है एंड आप किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो या आपको कुछ मिल रहा है इनकम पेमेंट वॉट एंड आपको लग रहा है कि वाह लाइक like, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था या मुझे कि ये लगा होगा ही नहीं पर ये हो गया सो देर इज़ समथिंग ऑफ दिस एनर्जी यू नो कि आपको लगा नहीं होगा बट हो गया आपको लगा बुरा होगा बट आपके साथ अच्छा हो गया सो विच विच इज़ गुड एक्चुअली नाउ फॉर सम आई फील लाइक देर इज़ दिस हीलिंग एनर्जी जहाँ पे आप काइंड kind ऑफ of अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हो आप फिर से एक लाइक like, एक शुरुआत कर रहे हो लाइक um, like, आप एक प्रॉपर लाइक रूटीन फॉलो कर रहे हो या प्रॉपर मेहनत कर रहे हो आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो स्ट्रैटेजी बना रहे हो लाइक like आप मेहनत कर रहे हो जो रंग ला रहा है बेसिकली सो आई सी सम काइंड ऑफ अ सक्सेस सम काइंड ऑफ अ मनी सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग आपके करियर सिचुएशन में जो आप रिसीव कर रहे हो बिकॉज आपने um, कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि ये चीज़ मुझे करना है ये बाजी मुझे जीतना है या मुझे ये टारगेट फुलफिल करना है समथिंग लाइक दैट एंड यूनिवर्स इज सेंग की ये इजी नहीं है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है या ये उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो लाइक like, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल है हो माय गॉड लाइक ये कैसे हो पाए एंड यूनिवर्सिंग ये इतना भी मुश्किल नहीं है आपको लग रहा है पर शुरुआत करके तो देखो शुरू तो करो ट्राई तो करो कोशिश तो करो पहला कदम तो बढ़ाओ वो रिस्क लो ठीक है क्योंकि अगर आप शुरू नहीं करोगे कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा दैट ये कितना मुश्किल था या ये कितना आसान था है ना बिकॉज इस टाइम पे आप लकी महसूस करोगे इस टाइम पे लक आपके साथ है किस्मत आपके साथ है तो और आपको क्या चाहिए बस थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा हिम्मत और अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा बिकॉज देर इज समथिंग दैट इज कमिंग फॉर यू एंड मोस्ट ऑफ़ यू ये वही है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो पेमेंट वो पैसा वो जॉब uh, या फिर वो तरक्की वो वट एवर इट इज़ वट एवर ठीक है सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू पाइसीज एंड आई होप ही आपको अच्छा लगे रेजनेट करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर बताना लाइक करना शेयर करना कमेंट पर बताना मुझे and um, subscribe if you are new here and maps melungi next reading me till then take care and goodbye